हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं ये कोलियस का प्लांट है और इसमें बहुत सारी वैरायटी दोस्तों आती है, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी आप लोगों से। और मेरे पास इस समय तो यही कोलियस है, इसका एक ग्रीन भी आता है और वो वाला भी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं इसी के बारे में बताऊंगी। लेकिन केयर सबकी सेम होती है, जो कोलियस के प्लांट होते हैं सबकी सेम केयर होती है, तो आज मैं इसकी केयर के बारे में भी बताऊंगी। कलरफुल निकले, क्योंकि ये लीव्स लविंग प्लांट है, पत्तियों की वजह से ही लगाया जाता है, ये कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है दोस्तों। और इसकी मैं आज केयर आप लोगों को करना बताऊँगी कि कैसे केयर करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि विंटर सीज़न का तो प्लांट है नहीं, समर सीज़न में ही इसकी ग्रोथ होती है। इस समय समर सीज़न शुरू हो गया है और मार्च का महीना चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्रूनिंग तो नहीं किया लेकिन इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। मतलब आप देख सकते हैं नीचे सारी टहनियाँ ही हैं और ऊपर इसकी गुच्छे में पत्तियाँ निकलने लगी हैं। मतलब आप प्रूनिंग किसी भी प्लांट की करें ना करें, समर सीज़न में या विंटर सीज़न में वो अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है समय रहते, वो अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है समय रहते। तो हम लोगों को समय रहते उसकी जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब उसको सीज़न के हिसाब से तैयार करना चाहिए। और इस समय समर सीज़न चल रहा है तो कोलियस प्लांट को हमें कैसे तैयार करना है समर सीज़न में अच्छी ग्रोथ के लिए, वो सारी बातें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। तो कोलियस का प्लांट समर सीज़न का प्लांट होता है और ये शेड लविंग प्लांट है, शेडी एरिया का प्लांट है मतलब। और इसको फुल सनलाइट में अगर रख दिया जाएगा तो इसकी जो पत्तियों का कलर है वो आपने देखा होगा, ये देखो इस तरह से बिल्कुल लाइट कलर में आने लगती हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये शेड लविंग प्लांट है, ज़्यादा धूप वाला प्लांट नहीं है, सनलाइट में इसे नहीं रखा जाता है। और सनलाइट में अगर इसे रख दिया जाए तो मैंने आप लोगों को दिखाया इसकी हालत क्या होती है। तो आज मैं बहुत सारी बातें इसके बारे में बताऊंगी, इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करूंगी आप लोगों से, बताऊंगी कि कैसे जो है इसकी केयर करनी है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कोलियस प्लांट की कंप्लीट केयर कैसे करनी है आपको समर सीज़न में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगी कि कोलियस एक जो है लीव्स लविंग प्लांट है और ये समर सीज़न में इसकी ग्रोथ होती है, विंटर सीज़न में ये ग्रोथ नहीं करता है, डोरमेंसी में चला जाता है, इसलिए इसकी ग्रोथ नहीं होती है। जैसे जैसे समर सीज़न शुरू होता है इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और आपने ये भी देखा होगा इसमें मतलब जैसे तुलसी के पेड़ में जो फ्लावरिंग थोड़ी छोटी छोटी सी होती है, वैसे इसमें फ्लावरिंग भी होने लगती है, हल्की हल्की से बीज, इसके बीज निकलते हैं, ऐसे एक डंडी सी होती है फूलों की और उसमें बीज होते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो समर सीज़न का प्लांट है, समर सीज़न में ही इसकी ग्रोथ होती है, लीव्स लविंग प्लांट है, इसमें कोई फ्लावर नहीं खिलता है दोस्तों। तो इसको शेड एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है और जो है समर सीज़न में आपने देखा होगा कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और जब भी इसे नर्सरी में लेने जाते हैं आप लोग तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता है, कोलियस का प्लांट नर्सरी में बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पे मिलता है, मतलब मान के चलिए 20 से 30 रुपए का मिल जाता है। तो और ये मैंने प्लांट ख़रीदा नहीं था, ये पिछले साल आप लोगों को मैंने दिखाया था, ये मैंने कटिंग से तैयार किया है और दो छोटे छोटे पॉट में मैंने लगाया था। ये देखिए ये एक पेंट का डिब्बा था और एक ऐसे पॉट था, मैं इसमें प्लांट लाई थी नर्सरी से, वही था, उसी में मैंने लगा दिया था। तो ये मैंने ख़रीदा नहीं था, ये मैंने सिर्फ जो है कटिंग से तैयार किया था, आप लोगों को उस पर वीडियो भी मैंने बनाया था, आप लोगों को दिखाया था, तो उसी समय मैंने लगाया था, हल्का हल्का समर सीज़न ख़त्म हो रहा था उसी समय मैं लाई थी और लगाई थी। तो आप लोग जब नर्सरी में लेने जाते हैं इसको तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता है दोस्तों, बहुत ही सस्ता मिलता है, 20 से 30 रुपए का प्लांट ही मिल जाता है जब इसको नर्सरी से लाते हैं। तो नर्सरी में जब लेने जाते हैं तो इसके पत्ते कुछ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, छोटा सा प्लांट होता है, आपको 20 से 30 रुपए का बहुत आसानी से मिल जाता है। फिर उसको ला के आप लोग घर में गमले में शिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करते हैं वो मैं बात करूंगी। सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं, तो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन होनी चाहिए, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि हल्का सा मॉइस्चर होल्ड करके उसको रखे, क्योंकि शेड लविंग प्लांट है और इसको
मॉइस्चर बहुत पसंद होता है, अपने चारों तरफ थोड़ा सा नमी ज़्यादा पसंद होती है, तो हल्की सी मॉइस्चर को बांध के रखे ऐसी मिट्टी तैयार करना है। लेकिन वल्ड्रियन बनानी है, पानी होल्ड नहीं करना चाहिए, मिट्टी बहुत ज़्यादा दलदली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में पानी भरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्ट कलम की जो है, मतलब मान लीजिए सॉफ्ट डंडी का प्लांट है, इसकी जो डंडियाँ हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और बहुत जल्दी गलने भी लगती हैं। बहुत ज़्यादा अगर पानी मिट्टी में रुकेगा ये प्लांट ख़राब हो जाता है और इसकी पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं ओवर वाटरिंग से। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा वल्ड्रेन बनानी है। मिट्टी में आप लोग एक भाग बालू मिट्टी का ले लीजिए, एक भाग वो गोबर की खाद ले लीजिए एक भाग पूरा, और एक भाग अपने गार्डन की जो मिट्टी आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए, एक भाग आपको राइस खस्क लेना है और एक भाग आपको लेना है कोकोपीट, अगर है तो मिला दीजिए वरना एक का हाफ ले लीजिए कोकोपीट। तो आप लोग इन्हीं चीज़ों को मिला के इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग के लिए मैंने हमेशा बताया है कि मिट्टी का ही गमला लीजिए, कोई भी प्लांट हो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है मिट्टी का गमला। तो मिट्टी आपको मैंने बता ही दिया क्या क्या मिलाना है, और उसमें हल्का सा आप लोग जो है उसमें खाद आपको मिलानी है। कौन सी मिलानी है आपको? गोबर की खाद मिला दीजिए, DAP थोड़ा सा डाल दीजिए, यही सारी चीज़ें आपको मिला के इसकी रिपोर्टिंग करना है। तो ये मिट्टी की बात हो गई, मिट्टी में मैंने बताया आपको क्या क्या मिलाना है। अब मैं बात करती हूँ गमले की। तो मैंने हमेशा बताया है कि प्लांट के लिए मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट होता है। सीमेंट के मुकाबले मिट्टी का गमला, मैंने ये देखा है, इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए आप जो है मिट्टी का गमला इस्तेमाल करिए, मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट होता है और उसमें इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। आप छोटा लीजिए, बड़ा लीजिए, जैसा भी आपके पास है, लेकिन मिट्टी का गमला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पानी की बात करती हूँ। हमेशा ओवर वाटरिंग का ध्यान रखिए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोलियस का प्लांट है और ये सेड लविंग प्लांट है। बहुत ज़्यादा जैसे धूप वाले प्लांट होते हैं उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जो सेडी एरिया के प्लांट होते हैं उनमें थोड़ा कम ही पानी पड़ता है। बहुत ज़्यादा पानी देंगे, ओवर वाटरिंग होगी तो इसमें क्या होगा, इसकी टहनियाँ गल जाएंगी, क्योंकि सॉफ्ट डंडी का प्लांट है ये, इसकी टहनियाँ भी गल जाएंगी और पत्तियाँ भी बिल्कुल मतलब जो है पीली होकर गिरने लगेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी का बैलेंस बनाना है। पानी आपको हर दूसरे दिन डालना है, अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आती है वहाँ पे रखा है, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा इसकी ड्राई होती है, क्योंकि इस समय गर्मी शुरू हो चुकी है और गमलों की मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो रही है, क्योंकि हवा भी चल रही है, गर्म हवाएं भी चलती हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो है अगर मिट्टी 1 इंच इसकी ड्राई हो जाती है, नीचे आप चेक कर लीजिए यहाँ पर, अगर ड्राई होती है मिट्टी तब आपको पानी देना है। और पानी कैसे देना है? पानी गमला भर के दीजिए ताकि जो है नीचे रूट्स तक इसके गमले में पानी पहुंच जाए। आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है, डेली पानी नहीं डालना है। आप एक दिन गैप करके पानी डाल सकते हैं या 2 दिन का गैप भी कर सकते हैं। अगर फुल सेडी एरिया में ये प्लांट रखा है तो आप 2 दिन का भी गैप कर सकते हैं, तब आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और अब बात करती हूँ मैं कि सनलाइट इसको कितनी चाहिए। तो मैंने बताया आपको सेड लविंग प्लांट है। आप सनलाइट की बात करें तो सुबह मॉर्निंग की अगर 1-2 घंटे की सनलाइट इसको मिल जाती है हल्की वाली या शाम वाली, तो वो इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे तो सनलाइट का ये प्लांट है नहीं, अगर सनलाइट में आप लोग रखेंगे तो वेरीगेटेड जो इसके अंदर जो पत्तियों का कलर बनना है ये नहीं बनेगा। इसकी पत्तियाँ बिल्कुल इस तरह की हो जाएंगी, बिल्कुल इसमें कलर कुछ पता ही नहीं चलेगा अगर आप फुल सनलाइट में इसको रख देंगे। पत्तियों का कलर आएगा ही नहीं, किस कलर की पत्तियां हैं पता ही नहीं चलेगा। तो सनलाइट का ये प्लांट नहीं कह सकते, इसको सेडी एरिया में रखेंगे तो इसकी पत्तियों का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए ग्रीन है, फिर डार्क ग्रीन है, फिर पिंक है, 3 कलर में पत्तियाँ इसकी आती हैं। तो फुल सनलाइट का प्लांट इसे हम नहीं कह सकते, ये फुल सेडी एरिया का प्लांट है। अगर आप इसको सेडी एरिया में रखते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, सूरज की रोशनी इसको मिले लेकिन इसको डायरेक्ट धूप ना मिले, अगर धूप में ये रखा है तो 1-2 घंटे की सुबह की सनलाइट जो होती है या शाम की सनलाइट होती है, वही 5 से 6 बजे वाली सनलाइट इसको अगर मिलती है तो वो इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हल्की सनलाइट हो और हल्की धूप हो। और दूसरी बात ये है, सेडी एरिया में जहाँ
जहाँ पे रखा हो वहाँ पे इसको अपने चारों तरफ नमी ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा सा क्या करना चाहिए कि ऐसे प्लांट के बीच में इसको रखना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल धूप ना जाती हो, रोशनी जाती हो, ब्राइट लाइट मिलती हो इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा सनलाइट इसको डायरेक्ट ना पड़े। अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसकी पत्तियों का होगा, क्योंकि पत्तियों की वजह से हम इस प्लांट को लगाते हैं और बहुत ज़्यादा सनलाइट से इसकी पत्तियों का कलर जो है वो सही नहीं आएगा। तो पत्तियों का अच्छा कलर लाने के लिए इसको शेडी एरिया में रखना है, इसके चारों तरफ आपको नमी जैसा माहौल देना है, क्योंकि इसको अपने चारों तरफ मॉइस्चर ज़्यादा पसंद है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है और जो है नमी ज़्यादा पसंद है। तो हल्के सा नमी इसके चारों तरफ हो तब ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत अच्छा कलर भी आता है इनकी पत्तियों में। तो शेड लविंग प्लांट है, बहुत कम सनलाइट में ग्रोथ करने वाला प्लांट है और इस समय समर सीजन शुरू हो चुका है तो इसकी ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत आसानी से कटिंग से भी तैयार हो जाता है। तो ये हो गई इसकी सनलाइट की बात, पानी की बात कर लिया, मिट्टी की बात कर लिया, अब खाद की बात करते हैं। इसमें खाद कौन सी देना है, मैंने बताया आप लोगों को कि लीव्स लविंग प्लांट है तो इसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें वो खादें देनी है जिसमें नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, गोबर की खाद में या बकरियों की जो खाद होती है उसमें पाई जाती है। जो भी लीव्स लविंग प्लांट हैं उसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन अगर उन्हें अच्छा मिलेगा तो क्या होगा, उनकी पत्तियों का कलर अच्छा आएगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो नाइट्रोजन जिसमें होता है वो खाद हमें देनी है इनको, इनके सीजन में, समर सीजन में। तो नाइट्रोजन किस में होती है, गोबर की खाद में और बकरियों की खाद में। और DAP भी डाल सकते हैं, DAP आप अपने पॉट के हिसाब से आधा चम्मच या एक चम्मच ले लीजिए, उसको रिंग टाइप में ऐसे डाल दीजिए। वो भी मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कैसे डालना है। तो वो खाद भी आप लोग दे सकते हैं, ये खादें दे सकते हैं। और किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो भी आप लोग डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इन प्लांटों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। अब बात करती हूँ फंगीसाइड की, अगर इसमें कोई फंगल लग जाता है तो मैंने हमेशा बताया है नीम ऑयल का इस्तेमाल करिए, या फिर नीम की पत्तियों का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाना बताया आप लोगों को वो आप दे सकते हैं। नीम की पत्तियों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है वो बहुत अच्छा होता है, इनकी पत्तियों का कलर भी बहुत अच्छा आता है और प्लांट भी देखने में बहुत अच्छा होता है। आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, नीम का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, एक बॉटल में भर के आप पूरे प्लांट को छिड़क सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी वो भी प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये फंगीसाइड की बात हो गई, अगर फंगल लगता है तो, हमारे प्लांट में कोई फंगल नहीं लगा हुआ है और प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। आगे मैं बताऊंगी आपको कि इसमें समर सीज़न में क्या क्या करना चाहिए। तो अभी तो मैं केयर के बारे में बात कर रही हूँ, आपको केयर कैसे करनी है। तो ये फंगीसाइड हो गया, आपको फंगल जब भी लगे तब आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप कोलियस की जो है आप केयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि धूप में इसको बिल्कुल नहीं रखना है, आपको शेडी एरिया में रखना है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई। तो बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, मेरे पास अभी यही वैरायटी है। तो आप लोग इस तरह से ही केयर करके अपने प्लांट को बहुत अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। तो आज मैंने आप लोगों को कोलियस प्लांट की केयर करना बताया, कम्प्लीट केयर बताया, तो आप लोग इसी तरह केयर करिए, अपने प्लांट को अच्छी सी ग्रोथ में, अच्छी सी शेप में लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो भी मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।